राजघाट पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को अमरूद मंडी पर से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान प्रकाश पुत्र राजकुमार निवासी बम पुलिस गली मोती झील लकड़ी डाई थाना नगर जिला मुजफ्फरपुर बिहार, दूसरा दीपचंद दास पुत्र स्वर्गीय राम स्वरूप दास निवासी मीनापुर पांडे टोला थाना मीनापुर जिला मुजफ्फरपुर बिहार, तीसरा राजकुमार पुत्र स्वर्गीय जुगल किशोर निवासी खिसरिया थाना खिसरिया जिला मोतिहारी बिहार, चौथा श्रवण निषाद पुत्र बिरजू निषाद निवासी गीडा सेक्टर 5 थाना गीडा जिला गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा, वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय कुमार, उप निरीक्षक अनूप कुमार, हेड कांस्टेबल हरेंद्र कुमार, कांस्टेबल मंगलदीप, देवेंद्र कुमार, अशोक कुमार, कुंदन कुमार, अंकित कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, पहले जाके पहले पता कर लो, ऊपर वाला थाना ना पता। सीओ कोतवाली और प्रभारी निरीक्षक राजघाट के नेतृत्व में बिहार से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला एक गैंग पकड़ा गया है। वो अपने सरगना और 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 24 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तारी आज 5:30 बजे प्रातः अमरूद मंडी नेशनल हाईवे से की गई है। इन अभियुक्तों के नाम हैं प्रकाश, दीपचंद, राजकुमार और श्रवण निषाद। ये सब बिहार के रहने वाले हैं मुख्यतः और वहीं से ये कार्य करते थे। बिल्कुल इसकी रिकमेंडेशन की जाएगी और इनके जो आपराधिक इतिहास है वो लोग हम लोग बिहार से भी खंगाल रहे हैं। जैसी भी जानकारी वो सब उसके बाद आपको बताएंगे।